हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, दुनिया के सुपर पावर अमेरिका पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। वहां के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण पूरी दुनिया के लिए खास था। अमेरिका में जो कुछ होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज अमेरिका में ट्रंप के ग्रहण का दिन था, अस्त होने का दिन था। वो व्हाइट हाउस खाली कर चुके थे। अमेरिका में जो बाइडेन का उदय हो चुका है। उन्होंने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। भारत के एंगल से देखें तो जो बाइडेन और कमला हैरिस के कैबिनेट और कोर टीम में बड़ी संख्या में भारतीय हैं। इस मेड इन इंडिया टीम से भारत को क्या हासिल हो सकता है? भारत के लिए बाइडेन की पॉलिसी क्या होगी? वो अपनी चुनौतियों से निपटते हुए कैसे पूरी दुनिया को कूटनीति पर अपना असर छोड़ेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको जो बाइडेन और कमला हैरिस के बारे में बताते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी सत्ता अब औपचारिक तौर पर उनके हाथों में आ गई है। बुधवार रात बाइडेन ने राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। 78 साल के बाइडेन सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति है। जो बाइडेन का जन्म 1942 के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। जब वो बच्चे थे तभी उन्हें डेलावेयर ले आया गया था। महज 29 साल की उम्र में वो सीनेट के सदस्य बन गए थे और तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हुए इस बार जीत हासिल की। वहीं कमला हैरिस की बात करें तो भारत के साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध है। 1964 में ऑकलैंड में जन्मी कमला हैरिस की माँ श्यामला गोपालन हैरिस चेन्नई की रहने वाली थी, जबकि उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले थे। बाइडेन से पहले देश की पहली श्वेत उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमायोर ने शपथ दिलाई। दोस्तों, आपको बता दें कि शपथ समारोह में ट्रंप शामिल नहीं हुए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, बिल क्विंटन, रिपब्लिकन नेता मैकमार्थिन, मैककोनल और माइक पेंस मौजूद रहे। बाइडेन सभी के साथ को लेकर चलने की बात करते हैं। इनकी वानगी बुधवार को तब भी दिखी जब उन्होंने दोनों रिपब्लिकन नेता मैकमार्थिन और मैककोन समेत शीर्ष नेताओं को सुबह चर्चा की प्रार्थना सभा में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। इससे पहले की परंपराओं के विपरीत इस बार का शपथ ग्रहण समारोह कोरोना वायरस के कारण कुछ फीका रहा। पहले देश भर से लाखों लोग शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचते थे, लेकिन इस बार वहां की सीमित संख्या में ही लोग को आने की अनुमति दी गई थी। बाइडेन के शपथ लेते ही दुनिया भर से उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मेरी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर जो बाइडेन को हार्दिक बधाई। मैं भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूँ। मतलब साफ है, भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। दूसरी तरफ अभी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा ने अमेरिकी लोकतंत्र पर दाग लगा दिया है। ऐसे में बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए कार्यकाल कई चुनौतियों के साथ शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।